हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पर मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि SBI ATM कार्ड को मोबाइल से कैसे पिन जनरेट करने वाले हैं। तो मैं आपको A to Z जानकारी बताऊंगा। पिछले वाले वीडियो में मैंने वेलकम किट की फुल अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी, तो वो अभी तक नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो अभी मेरे चैनल पर फर्स्ट बार यूट हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अब भी छोटे सेंटर के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले आपको ATM कार्ड को जनरेट करने के लिए सबसे पहले ये मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डायल कर लेना है, जो कि मैं कर रखा है यहाँ पर, जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है उसी को आपको यहाँ पर कर लेना है, जो कि मेरे मोबाइल में ऑलरेडी सेम ही है। तो यहाँ पर देखने को मिल जाए 1811 2211 देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख रहेंगे, जो कि आपको उसके ऊपर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर से आपको यहाँ से कॉल कर लेना है। जैसे कि मैं अभी कॉल कर लेता हूँ तो कर लेना है, थोड़ी देर वेट कर लेना। आपका स्वागत है। हिंदी में जारी रखने के लिए 1 और अपनी भाषा बदलने के लिए 0 दबाएं। हिंदी में जारी रखने के लिए 1 दबा देंगे, फिर अपन वेट करेंगे थोड़ी देर। अपने ATM कार्ड UPI इंटरनेट बैंकिंग ब्लॉक करने के लिए 0 दबाएं। खाते की शेष राशि प्राप्त करने और खाते के विवरण के लिए 1 दबाएं। ATM कार्ड और चेकबुक सेवाओं के लिए 2 दबाएं। SBI यूनो इंटरनेट बैंकिंग ATM कार्ड का पिन जनरेट करने या बदलने के लिए 1 दबाएं। अपने ATM कार्ड को ट्रैक करने के लिए कृपया कार्ड संख्या के अंतिम 5 अंक दर्ज करें। यहाँ पर 5 अंक लास्ट के दर्ज कर देंगे, फिर यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। आपके द्वारा दर्ज किया गया डेबिट कार्ड नंबर है, अंतिम 5 अंक की पुष्टि करने के लिए 1 दबाएं। कार्ड के अंतिम 5 अंक को दोबारा दर्ज करने के लिए 2 दबाएं। 1 दबा देंगे। कृपया खाता संख्या के अंतिम 5 अंक दर्ज करें। नंबर 51 नंबर दबा देंगे, जो कि 5 संख्या मांगेगा। आपके द्वारा दर्ज की गई खाता संख्या है, अंतिम 5 अंक की पुष्टि करने के लिए 1 दबाएं। खाते के अंतिम 1 दबा देंगे। YY के प्रारूप में आपके जन्म का वर्ष दर्ज करें। यदि जन्म तिथि 1 जनवरी 2020 है तो 2020 दर्ज करें। यहाँ पर जन्म तारीख दर्ज कर देंगे, जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पर। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के रूप में एक OTP भेजा गया है, यहाँ पर OTP डाल देंगे, घंटे के लिए वैध रहेगा। यहाँ से सारी डिटेल डालने के बाद कुछ इस प्रकार से मैसेज देखने को मिल जाएगा, जो कि बोल रहा है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर 24 घंटे के अंदर आपके ATM कार्ड के यहाँ पर भी मशीन है ब्रांच, वहाँ पर जाके आप लोग ATM कार्ड रीसेट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये 24 घंटे तक वैलिड रहेगा, बाद में एक्सपायर हो जाएगा तो वापस से वही प्रोसेस करना पड़ेगा। और मैं आपको एक कंफर्म कर देता हूँ कि कोई भी ऑनलाइन करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं। मैं कस्टमर केयर में बात करा था, वो उन्होंने कहा कि अगर आपको फर्स्ट टाइम ATM कार्ड मिला है तो वहीं पे जाना पड़ेगा, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता है, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। अगर एक बार यूनो रजिस्टर हो जाता है तो उसके माध्यम से आप लोग चेंज कर सकते हो, तो इस प्रकार से आप लोग इसको निकल सकते हो। तो मेरा तो यही मानना है कि आप डायरेक्ट ATM में ही चले जाओ, वहीं से रीसेट वगैरह का मतलब कि एक्टिव ने सारा कुछ कर लो, यहाँ से कुछ करने का फ़ायदा नहीं, इतना कौन करेगा। तो यही मेरा तो मानना है, तो कोई भी रास्ता नहीं। फर्स्ट बार करे तो दूसरी सेकंड बार आया हो तो आप लोग कर सकते हो यूनो के माध्यम से, जो कि मैं वीडियो बना के बता दूंगा आपको ज़रूर से, अगर आप लोग का कमेंट आता है तो। तो जब तक के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। थोड़ी बहुत आवाज़ कट भी किया हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत प्राइवेसी के कारण से। तो अभी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तो एक्टिव करने के बाद में थोड़े दिनों में बनाऊंगा कि रजिस्टर कैसे करें यूनो एप्लीकेशन में, तो थोड़े दिनों में आएगा, अभी तो नहीं क्योंकि ATM को एक्टिव करना पड़ेगा, तो मैं जरूर से बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।